महेंद्र सिंह धोनी का हम इतने बड़े फैन है। इधर ए इधर सुनो खबर हो, महेंद्र सिंह धोनी का हम इतने बड़े फैन है, सीना फाड़ के दिखा देंगे, धोनी की फोटो निकल आएगी। जान ही तुम कितने बड़े फैन, छोटा मोटा ना समझना हमको, मिल के आए हैं। हे भैया सही बताओ, स्टेडियम गए थे, आगे वाली सीट पे बैठे थे, खेलने जा रहा था, हमने कहा इधर रुको, कहीं तक्का, हमने कहा इधर आओ, आवा, हमने कहा ऑटोग्राफ दो, दीस, हमने कहा फोटो खींचो, खींचिस। सही बता, सही हम तुम लोग का बता रहे हैं, आधे टेम तो तुम लोग हैये हो और ये तुमका पूरा टेम बना रहे हैं। इधर देखो तुम, इधर थोड़ी देर सुन लिया करो, एक तो बत्ती आ नहीं रही, पसीना बह रहा, शरीर से गंध आ रही, दिमाग खराब करने के लिए सामने तुम बैठे हो, और ट्रांसफार्मर तो सही हुआ नहीं होगा अब तक। अरे वो अवस्थी जी गए हैं सीढ़ी लेके सही करवाने, अवस्थी जी कहीं तो कुछ ना सही करवाए, ज्यादा एहसान ना करे हम लोग के ऊपर, और यहो फुड़वा दे जो लगी हम लोग की गली में सोलर वाली। क्या है परेशान हो रहे, सही हो जाएगी। तो भैया हाँ, जो क्रिकेट में बैट लोग खेलते हैं वो बहुत भारी होता ना। अबे बैट तो तुम भूल जाओ, तुम बात करो बॉल की, हाथ से उठाने जाओगे तो हाथ उखड़ जाएगा, इतनी भारी होती सिलेंडर, जानते हो सिलेंडर, सिलेंडर तो 3 गुना भारी होती बॉल, तुम्हारे जैसे नहीं फोम वाली बॉल से खेले पुचुक पुचुक हुई रही। क्या बोल रहे हो, 3 गुना? हाँ सिलेंडर का 3 गुना, भरा कि खाली, भरा सिलेंडर, जो कुछ ज्यादा नहीं हुई रहा। कभी स्टेडियम गए हो? नहीं हमका कोनो शौक नहीं है। कभी चले जाना, जब छक्का आए ना तुम्हारी तरफ तो खोपड़ी आगे कर लेना, तब पता चलेगा कितनी भारी होती कितनी भारी नहीं होती। खोपड़ी गेंद निकल आएगा, फिर गेंद नहीं निकल आएगा तो तरबूजा लिए बैठे ब्लास्ट हो जाएगा। ए भैया सही बता, नहीं तो जाके देखना कभी स्टेडियम में, हमको जाने कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे ज्यादा मैच का भूत चढ़ा, तुम ही जाओ। मैच का भूत, जानते हो मैच का भूत क्या होता है? क्या होता भैया? जिस दिन मुंबई इंडियंस हारे, हाँ हाँ, वानखेड़े बगल से चले जाना 3:33 पे, हाँ, अंपायर नाचते दिखते हैं। पापा का बताओ, कह रहे मम्मी बुला रही, खाना बनाओ आके। बनाओ आके मतलब खाओ आके, खाए और बनाए कोनो अंतर नहीं तुम्हारे लिए। अरे आप जल्दी पीटी खजवा रहे हो घंटा भर से, बुला रही, रुको थोड़ी देर आ रहे हैं, कोनो अमृत नहीं बनूती तुम्हारी मम्मी कि हम खाए के लिए लालायित रही। ओ भैया हाँ, वो कौन सा प्लेयर रहता जो खोपड़ी में लुंगी बांध के आता? लुंगी बांध के आता? हाँ एक होता नहीं जो लुंगी बांध के आता खोपड़ी में? समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे हो तुम। अरे वही जो खड़े खड़े चक्का मार देता। कौन लेट के चक्का मारता यार, सब खड़े खड़े चक्का मारते हैं। यही मारते हैं लेट के छक्का, वो कौन मारता? नहीं कुछ लोग होते हैं ना जिनकी जान निकल जाती छक्का मारने में, पर वो खड़े खड़े मार देता। गेल की बात कर रहे हो? हाँ वही वही वही, का नाम का गेल, वो लुंगी बांध के आता है। हाँ लुंगी नहीं आते बांध के पीछे काली काली लुंगी है, वो लुंगी है, स्टाइल है उनकी। अरे भैया स्टाइल से तो हम बहुत परेशान है, हमारी बिटिया कल मैं देख रही रहे हमारे साथ, आंधे रसेल बहुत पीट रहा रहे, कहने लगी पापा, हम कहा कहस कि अब की बार जब बाल कटवाना तो आंधे रसेल वाले कटवाना, धांसू लगी हो। अपनी बिटिया से कह दो इन हूं के लिए कौन हेयर स्टाइल ढूंढ दे, बने भिखारी घूमा करत। अबे एक बात बताओ तुम जरा, पूछो, इतनी गर्मी में भी तुमका रहाइश नहीं ना, इतनी बढ़िया आईपीएल की बातें चल रही तुमको समझ में नहीं आ रहा कुछ? अरे हमको आईपीएल की बात है कि हमको आईपीएल नहीं समझ में आता है तो भागो यहां से, चलो, नहीं समझ में आता आईपीएल तो कहां बैठे हो? अपने चबूतरे बैठे तुम्हारी छाती पर नहीं बैठे हैं जो भगा रहे हो, तो बैठ जाओ के आओ, छाती बैठ जाओ के, तुम आओ बैठो आके। हाँ तो बैठ जाएंगे ना, चिंता काय कर रहे हो, आएंगे वो भी समय आए, यहाँ सिर्फ आईपीएल की बातें होंगी और कोई बातें नहीं होंगी फालतू की। ऐसा है तो भैया आईपीएल की बातें बिल्कुल नहीं होंगी, लो हम गाना गाएंगे। A B C D E F G, उस समय निकले पंडित जी, ले आधा रखा था ना कहीं, लाओ जरा। हाँ भैया ये लो। उस समय निकले पंडित जी, ए बी बंद कर रहा हूँ गाना, थोड़ा खोपड़ी लागत बत्ती आए है वाली है। मोटर चला।
चला डालना, बस टीवी ना चलाना खाली। गाय के मारा मैच आ रहा है, चलाओ टीवी तुरंत, स्कोर देखो कितना हुआ। देखो कहो चली ही जाए भाई। जी उस समय निकले पंडित जी, पंडित जी की बड़ी चुटैया।